भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं में चले लात घुसे, मामला पहुंचा पुलिस थाना सागवाड़ा। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के खिलाफ सागवाड़ा थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना अंतर्गत भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कल्पेश भारती के खिलाफ सागवाड़ा थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज हुई है। इधर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। भाजपा युवा मोर्चा के ही पदाधिकारी पादरा निवासी विकास पिता डायालाल उपाध्याय ने पुलिस थाना सागवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज करवाकर बताया कि 14 जून को शाम को करीब 6 बजे उसे किसी अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया और गलियाकोट रोड पर एक रिसोर्ट के पास बुलाया गया और बताया कि कंस्ट्रक्शन से संबंधित बात करनी है। करीब 7 बजे वह अपने गांव पादरा से सागवाड़ा आया तो उसी नंबर से दोबारा मैसेज आया कि मौके पर मत आना, अनहोनी घटना हो सकती है। फिर भी जानकारी लेने के लिए मौके पर पहुंचा तो वहां पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कल्पेश भारती, लक्ष्यराज शर्मा, विवेक पाटीदार, सौम्य पंड्या सहित अन्य कई लोग खड़े मिले। उनसे पूछताछ करने पर कल्पेश भारती ने लात घूसों से मारपीट की और गले की चेन को निकाल ली और कहा गया कि पार्टी में ज्यादा हेकड़ी करता है, तेरी हेकड़ी निकालता हूँ। उस समय प्रार्थी के साथ प्रियंक भासरिया था जिसने बीच बचाव किया। विकास उपाध्याय प्रियंक भासरिया भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से ही जुड़े हुए हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।